अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिंक्स ऑफ पीडीएफ फाइल्स यूज्ड इन दिस वीडियो आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट लिगेंड फील्ड थ्योरी और LFT। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉडिफाइड MOT। दिस थ्योरी इज द मोस्ट करेक्ट थ्योरी रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। नंबर टू, सबसे ज़्यादा जो फीचर्स हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, वो इस थ्योरी ने जो है वो प्रेजेंट किए हैं। इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक थ्योरी एंड इन सम सॉर्ट और वे इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस थ्योरीज दैट यू हैव स्टडीड। इसीलिए हम इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। बट इन सब वर्चुअल्स के अलावा एक जो इसका डिसएडवांटेज है, और वो जो सबसे हैवी डिसएडवांटेज है, वो ये है कि लाइक अदर थ्योरीज, हम हर मॉलिक्यूल के लिए इसको सिंपली पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसकी डायग्राम को पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत कम एग्जांपल्स हैं जिनमें हम ड्रॉ कर सकते हैं एग्जांपल्स। तो अगर हमने बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ड्रॉ करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को हमने ड्रॉ करना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, देन वी नीड कंप्यूटर। एक्चुअली जैसे आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, कुछ ऑर्बिटल बॉन्डिंग होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग होते हैं, कुछ नॉन बॉन्डिंग होते हैं, और हर एक के एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब आप देखते हैं हाइड्रोजन के केस में, लिथियम के केस में, आपने वेरी फर्स्ट जो आपका सेमेस्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वो इतने एनर्जी लेवल बन जाते हैं कि हमें उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट का जो है वो कंप्यूटर की एड के बगैर पता नहीं लग सकता। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एंड ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। करंटली जो हम ये यहाँ पर नोट्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द जॉनसन एंड बसैलो बुक। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स के रिजल्ट में जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर इस डायग्राम में जो है उसने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये आप देखें, अगर एस ऑर्बिटल्स हैं, ये लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो है वो बन रहे हैं। बॉन्डिंग जो है दे आर लो इन एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग जो है दे आर हाई इन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, देखें है तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो हैं। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो है ये अटोमिक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, ए के अंडर इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज बॉन्डिंग, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ जो बॉन्डिंग होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें जाएंगे तो स्टेबिलिटी आती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी। जैसा कि हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी देखा है कि जब T2G में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो एनर्जी स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की, और जब EG में जाते हैं तो अनस्टेबल होते हैं। सो इसी तरह यहाँ पर भी है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के दरमियान जो है, जब ये कंबाइन करते हैं, तो चार्ज डेंसिटी जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली अरेंज होती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अब अगर आप देखें कि A जो है न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बी जो है न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम इन दोनों के दरमियान आती है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो सीमिटिंग मटेरियल का काम करती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, और ये स्टेबिलिटी काज करती है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में चार्ज डेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने ये पिंच दी हुई है या हमने गैप दिया हुआ है। उससे होगा क्या कि देयर इज़ रिपल्शन, क्योंकि ए पर भी पॉजिटिव चार्ज है, बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दरमियान में नेगेटिव चार्ज नहीं है, सीमिटिंग मटेरियल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इनके दरमियान रिपल्शन होगी, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे वो अनस्टेबिलिटी जो है वो काज करेंगे। नाउ दिस इज़ एस ऑर्बिटल। इसी तरह जो है ये पी ऑर्बिटल जो है ये कंबाइन कर रहा है लीनियरली, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर इसके कंबाइन करने के दो मेथड्स हैं। एक है हेड ऑन कोलिजन या हेड ऑन अप्रोच, जिसमें आप देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये देखें, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जिसमें
आपके जो है वो यहाँ पर देखें कि बॉन्डिंग में चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है बिटवीन ए एंड बी, और एंटी बॉन्डिंग में चार्ज डेंसिटी मिनिमम है बिटवीन ए एंड बी। दूसरी है पैरेलल ओवरलैप, जो कि आपको पता है पाई बॉन्डिंग बनती है, तो सिग्मा अगर ये है तो पाई ये है, तो पाई में जो चार्ज डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई होती है मैक्सिमम। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग की पाई बॉन्डिंग है और ये जो है वो पाई स्टार एम्प्टी बॉन्डिंग है। तो बाकी आपको पॉस्टुलेट्स पता ही हैं कि जितने बॉन्डिंग बनते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है, इसी तरह जो एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक वक्त में अकोमोडेट। नाउ हमने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी करनी, लेकिन उससे पहले ये अगर आप देखें कि ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये 1s है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम 1s है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ए ओ ए ओ, दे कंबाइन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक सिग्मा एस है और एक सिग्मा स्टार एस है। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे अगर जगह नहीं है नीचे, और उसके बाद बॉन्डिंग में से हम एंटी बॉन्डिंग माइनस करके जो 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो ये आपने जो है वो पहले इसका किया हुआ है। अब ये देखें, ये लिथियम के केस में हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव के केस में है, हीलियम एंड हीलियम पॉजिटिव के केस में है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में है लाइक 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.5। बट इट मींस कि यहाँ पर बॉन्ड तो बन रहा है बिटवीन हीलियम एंड हीलियम पॉजिटिव, लेकिन वो फ्रैक्शनल बॉन्ड है। तो आपको पता है कि हीलियम और हीलियम पॉजिटिव में जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है वो तो नहीं बनता, लेकिन जो पोलर फोर्सेस हैं या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं वो वर्क करती हैं। इसी तरह जो इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल है कि जिसमें ये अगर देखें कि 1s जो है वो आपस में कंबाइन कर रहा है, फिर थोड़े गैप के साथ जो है वो 2s कंबाइन कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एंड सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, तो दरमियान में जितने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह करके जो है हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो के एक्सप्लेन किए गए हैं। सो इफ़ यू सी हेयर, तो पहली जो एग्जांपल है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो है कोबाल्ट F6-3। इसमें भी अगर आप देखें ये कॉम्प्लेक्स जो है वो लिखा हुआ है कोबाल्ट F6-3। तो इफ़ यू सी हेयर दैट के कोबाल्ट जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में उसके ऊपर जो है वो +3 है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d6 सिस्टम। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर 3d जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने पुट किए गए। सो यहाँ पर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये हैं सेंट्रल मेटल के, और यहाँ पर ये देखें कोबाल्ट जो है वो इसके एग्जैक्टली नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये फ्लोराइड्स जो हैं वो 6 के 6 जो हैं वो यहाँ पर इस साइड पर लिखे हुए हैं। नाउ इफ़ यू सी के ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये एनर्जी का पैरामीटर जो है वो यहाँ पर ऊपर को एनर्जी जा रही है, तो ये 3d है, फिर ये 4s है और ये 4p है। ये वाले जो इतना सिस्टम है ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोबाल्ट के 2s वाले रिमूव हो गए और ए डी में से रिमूव हो गया, तो 3d6 4s0 एंड 4p0। अब यहाँ पर इसने कंबाइन करना है 6 फ्लोराइड्स के साथ, और फ्लोराइड जो है अब देखें ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोराइड है, और आपको पता है कि फ्लोरीन के पास जो है वो पी ऑर्बिटल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पुट करके ये 6 डिफरेंट फ्लोराइड्स के वो पी ऑर्बिटल्स हैं जो कि कोबाल्ट के साथ जो है वो ओवरलैप करेंगे, और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस किए हुए हैं। नाउ ये यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 6 फ्लोराइड्स, यहाँ पर ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोबाल्ट। नाउ दे विल कंबाइन और कंबाइन करके यहाँ पर ये सेंटर में जो है ये आपके सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे।
नाउ इफ यू सी कि जितने टोटल अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने ही यहाँ पर सेंटर में जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ज़ाहिर कुछ लो इन एनर्जी हैं, कुछ जो हैं वो दरमियान में हैं और कुछ जो हैं वो हाई इन एनर्जी हैं। अब हमें कैसा पता लगेगा कि कौन से जो हैं वो ऑर्बिटल्स लो इन एनर्जी बनाने हैं, कुछ दरमियान में बनाने हैं, कुछ जो है वो हमने बनाने हैं लास्ट में एंटीबॉन्डिंग। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस थ्योरीज जो कि हमने स्टडी की हैं। उसमें जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का भी कुछ पोर्शन है जो कि टोटली बेस करती है ऑन आयनिक कॉन्सेप्ट। इसमें जो है वो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बिलीव करती है कि जो बॉन्डिंग है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड वो प्योरली कोवलेंट है। और इन दोनों को मिलाकर फिर हम ये वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसमें आयनिक कॉन्सेप्ट को भी हम उतनी वेटेज दे रहे हैं और कोवलेंट कॉन्सेप्ट को भी उतनी ही वेटेज दे रहे हैं। ऑल दो दोनों का प्योरली जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन यस इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस थ्योरीज। तो अब अगर आप देखें कि कोबाल्ट F6 में अगर आप जाएं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होनी थी, तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते तो यहाँ पर DsP3 D2 या D2 SP3 वो हाइब्रिडाइजेशन होनी थी। तो इसका मतलब है बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थे वो हमने इन्वॉल्व करने थे। तो अब अगर आप देखें चाहे D2 SP3 है या SP3 D2 है, कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके लिहाज से यहाँ पर ये बॉन्डिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपके अरेंज होंगे। ये देखें 1 σs है, 3 σp है और 2 σd। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें कहाँ से मिली है कि यहाँ पर sp3d2 करेंगे। दिस पोर्शन हैज़ कम फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पहले पता थी इसकी क्या है कि या d2 sp3 होगी या sp3d2 होगी। तो इसलिए अब यहाँ पर हमने चाहे हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3 हो या sp3d2 हो, हमने यहाँ पर अरेंजमेंट sp3d2 की फॉर्म में करनी है क्योंकि यहाँ पर ये जो सिग्मा ऐसा है इसकी एनर्जी लो होती है, फिर हाई एनर्जी होती है सिग्मा पी की और फिर एनर्जी होती है सिग्मा डी की। तो ये आप देख रहे हैं कि आप ये ऊपर की तरफ जो है जा रहे हैं। नाउ ऑल्दो दिस डायाग्राम हैज़ ऑल्सो बीन ड्रॉन विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लेकिन हमने 2-4 एग्जाम्पल्स ऐसी जो है वो अगर हमें फिजिकली ड्रॉ करनी पड़े तो उसके लिए हम ये फिर कुछ पॉस्टुलेट्स जो हैं वो पिछली थ्योरीज के यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन पिछली थ्योरी से जो है वो हम लेते हैं। सो इन दिस वे दिस इज़ sp3d2 सिस्टम बॉन्डिंग। अच्छा, अब जो बॉन्डिंग में होंगे वही एंटी बॉन्डिंग में होंगे। तो अगर आप देखें कि ये d2sp3 ये जो है ये एंटी बॉन्डिंग में है, d2sp3 दीज आर एंटी बॉन्डिंग और ये जो है वो बॉन्डिंग में। तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ये जो एनर्जी की इसकी क्वांटिटीज हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स की उसको आपने लर्न करना है। तो sp3d2 जो है वो बॉन्डिंग में है और d2sp3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग की पहचान या आइडेंटिफिकेशन होती है स्टार से। स्टार मीन्स कि दे आर हाईली एनर्जेटिक। अब जो बाकी बच जाएंगे वो आपके होंगे नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो 3 हैं दीज आर नॉन बॉन्डिंग। एक और पॉस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर जाते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी। देखें ये हम sp d, ये dxy dy z, dxc σ d, ये हम अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं। अदरवाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो ये अज्यूम करती है कि हर एक की आइडेंटिटी लूज हो गई है, बस अब सारे ये एक जैसे हैं बट दे आर डिफरेंट इन एनर्जी, कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर हैं। तो हमने जस्ट इनको पहचानने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, कुछ अपना अंदाज़ा या एस्टिमेट लगाने के लिए हमने इसको नेमिंग दी है। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ये सिग्मा पी है या सिग्मा डी है, बस ये हम थोड़ा सा अपना एक एस्टिमेट लगाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पास्टुलेट जो है ये वो क्लियरली कहता है कि यस देयर इज नो आइडेंटिटी रिटेन्ड। अब देखें कि आपको यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बताऊँ कि ये वाली इन्फॉर्मेशन है कि sp3d2 या d2sp3 ये हमने जो है वो अज्यूम की है फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर sp3d2 क्यों नहीं किया। द आंसर इज हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इनकी एनर्जी जो है, अब देखें सिग्मा स्टार डी की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार एस,
और सिग्मा स्टार एस की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार पी। अब लॉजिक क्या है कि ये कंप्यूटर पर हम जब इनकी एनर्जीज को पुट करते हैं और जब हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसने हमें ये एनर्जीज दी हैं, तो हमने बस इसको अपनी आसानी के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन की है कि sp3d2 जितने बॉन्डिंग हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग होंगे, लाइक d2 sp3 आर एंटी बॉन्डिंग, और ये दरमियान में जो हैं ये हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो ये तो चले हमें समझ आती है कि ये पोर्शन तो आया है हाइब्रिडाइजेशन से, तो ये पोर्शन कहाँ से आया? यस, दिस पोर्शन हैज कम फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डेल ओ है कि दो डी के ऊपर गए हैं और बाकी दो तीन जो है वो नीचे हैं, ये टी टू जी सेट है और ये जो है वो ई जी सेट है। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर गैप भी कम है। गैप कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो फ्लोराइड जो है वो लगाया हुआ है, और फ्लोराइड जो है उस केस में अमोनिया के मुकाबले में फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, सो इलेक्ट्रॉन्स वो ऊपर भी जाएंगे, तो यहीं पर ही पेयर अप नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर भी जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है अगर आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से आया है, ये आया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। यस, अगर यहाँ पर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती, यहाँ sp3 सिस्टम होता, तो हमने यहाँ पर तीन ऊपर लेकर जाने थे और s जो है वो नीचे रखना था। तो इस तरह कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये वाला जो पोर्शन है इट हैज़ कम फ्रॉम द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पोर्शन। जब आपने ये अरेंजमेंट कर ली कि sp3d2 नीचे लिखने हैं, d2 sp3 ऊपर लिखने हैं, फिर ये बाकी नॉन बॉन्डिंग आ जाएंगे, और ये वाला जो पोर्शन है दिस हैज़ कम फ्रॉम द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद आपने अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस करने हैं। अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें कि कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो 12 जो है वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं, डबली फिल्ड कर दिए हैं, और बाकी जो हैं वो बच गए हैं, तो उनको पहले यहाँ पर सिंगली फिल्ड किया और बाकी जो बच गया उसको यहाँ पर पेयर अप किया, जस्ट लाइक जैसे हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है वो किया है। नाउ नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, जो कि कोबाल्ट अमाइन का कॉम्प्लेक्स है। सो ये इसकी एग्जांपल है, अगर आप देखें इसमें तो कोबाल्ट हेक्सा अमाइन है, इसमें भी जो है वो +3 चार जो है वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है अगेन +3 फॉर्म में है, सेम 3d6 सिस्टम है। अब यहाँ पर ये अमोनिया, 6 अमोनिया के जो हैं ये लोन पेयर्स हैं। नाउ इफ़ यू सी कि यहाँ पर 6 फ्लोराइड के वो पी ऑर्बिटल्स थे जिन्होंने ओवरलैप करना था कोबाल्ट के साथ, अब यहाँ पर ये 6 अमोनिया के वो लोन पेयर्स हैं, और हर एक यहाँ पर ये sp3 ऑर्बिटल में वो जो लोन पेयर पड़ा है ये वो है, 6 अमोनिया के वो 6 लोन पेयर्स हैं। नाउ सेम ये इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 है, तो ये देखें sp3d2 बॉन्डिंग है, d2 sp3 जो है ये एंटी बॉन्डिंग है, और दरमियान में ये नॉन बॉन्डिंग है। अगेन ये वाले जो d हैं ये सेपरेट कैसे हुए हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेपरेट हुए हैं। और इसमें आगे चीज़ जो इंफॉर्मेशन क्या है वो ये है कि क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो दो ऊपर जाएंगे तीन नीचे रहेंगे। यस, एक डिफरेंस क्या है कि बिकॉज अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर गैप जो है वो ज़्यादा आएगा। जब गैप ज़्यादा आएगा तो इसकी बजाय इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चले गए थे कम गैप होने की वजह से, यहाँ गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले डबली फील्ड होंगे, नीचे ही पेयर अप होंगे, और उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग हुआ तो वो ऊपर जो है वो जाएगा। सो दिस इज़ दी मेन डायग्राम ऑफ MOT जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों ज्योमेट्रीज जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल हैं, एक में हमने वीक फील्ड लिगेंड की बात की है और एक में हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात की है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है यहाँ पर ये जितनी भी इसमें ये वही जो है वो जो मैंने आपको ऊपर बात समझाई है ये वही वर्ड्स में लिखी हुई है। नेक्स्ट जो है वो है पाई बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन बाय MOT। देखें कि मैंने आपको बताया था कि साइनाइड है या कार्बोनाइल है, दीज आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्यों हैं? क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, और जब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोबाल्ट एंड साइनाइड जो हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फाइनली जो है इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है।
तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये एक डायग्राम जो है वो बनी हुई है, इसमें ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल जो है वो शो किया गया है आयरन का। तो इफ़ यू सी कि सबसे पहले सायनाइड जो है, अब ये इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर पड़ा है, ये एम्प्टी आयरन के साथ ओवरलैप करता है और अपना लोन पेयर मेटल को शिफ्ट करता है। अब सायनाइड या कार्बन आयल जो हैं, इनके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये वाले पाई स्टार ऑर्बिटल लाइक दिस, तो ये ऑर्बिटल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो फ्लोराइड या क्लोराइड इनके पास तो नहीं होते, लेकिन साइनाइड या कार्बन आयल, सॉरी कार्बन आयल के पास होते हैं। तो अगर आप देखें कि जब एक दफ़ा ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, अब पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनेगा कि मेटल जो है वो अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ आयरन साइनाइड। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये पाई स्टार ऑर्बिटल है जिसमें गैप है दरमियान में, यहाँ से पता लग रहा है कि ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर ये ओवरलैप होगी, तो इस तरह जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। नाउ जब ये पाई बॉन्ड बन जाएगा तो होगा क्या? एक्चुअली जब ये पाई बॉन्ड बनता है तो उससे होता क्या है कि ये वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं ये और ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, ये जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं ये नीचे आ जाते हैं। जब ये नीचे आ जाएंगे तो अल्टीमेटली ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जाहिर है फिर कार्बन आयल या साइनाइड जो है दे विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ही पेयर अप होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो मैं इस पर थोड़ा सा और जो है वो थ्रो करूँगा लाइट कि किस तरह और डायग्राम के ज़रिए, लेकिन आज के लिए बस आप इतना ही रखें कि कैसे जो है वो पाई बॉन्ड बनते हैं और T2g ऑर्बिटल जो है वो लो हो जाते हैं जिससे डेलो गैप इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे ही पेयर अप हो जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट MOT। कुछ और एग्जांपल्स भी जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करवाऊँगा। यहाँ पर ये देखें कि बड़ी ब्यूटीफुल लाइन कि द मोस्ट वर्सटाइल इज़ MOT, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। तो वर्सटाइल भी है लेकिन साथ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इसको आप पढ़ें। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा और साथ में आपको उसमें बताऊँगा विद डायाग्राम कि कैसे कार्बोनाइल और साइनाइड जो हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, ऑल दो उनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कार्बन आयल के ऊपर पर तो नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो डायग्राम के जरिए इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। यहाँ पर सिर्फ जो है वो फिजिकली उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, या यहाँ पर सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड जो है वो एक्सप्लेन की गई है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।